प्राचीन भारतीय इतिहास में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे प्राचीन भारत में, उनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म से भी प्रश्न पूछे गए। अतः आज के इस वीडियो में हम उन सभी धर्मों की संक्षेप में चर्चा करेंगे और साथ ही उन सभी धर्मों से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को आपके सामने लाएंगे, ताकि यदि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में बीपीएससी में भी रहता है, यूपीएससी में भी रहता है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहते हैं और सामान्य अध्ययन के प्रत्येक प्रश्नों में एनसीएन हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो ऐसे में उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होगा। चूंकि इस वीडियो को तैयार करने में हम एनसीईआरटी के सारे जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स थे सबका स्टडी की है, साथ ही यूपीएससी और बीपीएससी में जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए जिस टॉपिक से, उससे संबंधित तथ्यों को शामिल किया, तो उसके एक एक कंटेंट्स को वीडियो में ला पाना संभव नहीं था। अतः इसके टॉपिक को सिर्फ ध्यान से सुने, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ वीडियो देख लेने मात्र से, अच्छे से सुन लेने मात्र से आपको उसके सारे कंटेंट, सारे तथ्य से आप परिचित हो जाएंगे और उस तथ्य से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप परीक्षा में उसका सही हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्राचीन भारत है उसमें जो धार्मिक सुधार आंदोलन कहिए या धार्मिक आंदोलन कहिए प्राचीन भारत में, उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म उनके सभी तीर्थंकरों को और उससे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब अगले धर्म में आता है शैव धर्म। शैव धर्म आप ऋग्वेद में हम चर्चा किए थे कि ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख है और रुद्र कौन है? शिव है। तो ऋग वैदिक काल में भी शिव की पूजा होती थी रुद्र के रूप में, लेकिन जो शैव संप्रदाय है उसका प्रथम उल्लेख आप कई पुस्तकों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है शैव संप्रदाय का। शिव भागवत पुराण भी है, भागवत पुराण, तो उसमें शिव भागवत नाम से चर्चा है किसमें? महाभाष्य में। और महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो पतंजलि। वामन पुराण की बात की जाए तो इसमें शैव संप्रदाय की संख्या चार बताई गई है, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। इसमें पाशुपत से प्रश्न काफी देखने को हमको मिले हैं शैव धर्म से। तो चारों संप्रदाय को आप ध्यान में रखें, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत, या किसके अनुसार? तो वावन पुराण के अनुसार शैव संप्रदायों की ये चार संख्याएं हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। पंच अर्थिक और दीर्घ स्वर संधि कर दें तो हो जाता है पंचार्थिक। इस मत का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ पाशुपत सूत्र है और आपको पता होगा कि श्रीधर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। तो जो पाशुपत संप्रदाय है
उसका जो सूत्र है उस सूत्र को कहते हैं पाशुपत सूत्र, उनके अनुयायियों को कहते हैं पंचार्थिक, और इनके प्रकांड जो विद्वान पंडित थे पाशुपत आचार्य। और यही जो पाशुपत संप्रदाय था वह शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रहा, और इसके जो संस्थापक हैं वे लकुलीस नाम मिला है हमको, लकुलीस थे। तो पूछा जाए कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक इनको मानेंगे आप, तो लकुलीस को, और लकुलीस का जन्म गुजरात में हुआ था, यह भी कई पुस्तक में हमको मिला है। तो लकुलीस गुजरात में जन्मे थे और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, जो शैव संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। अब आते हैं कापालिक संप्रदाय पे। तो कापालिक संप्रदाय के जो इष्ट देव हैं वो भैरव थे, और सब शिव का ही पर्यायवाची शब्द है। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र है श्री शैल नामक स्थान था, श्री शैल। तीसरा संप्रदाय है कालामुख, जिसकी बात की जाए तो इसके अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, और यूपीएससी में एक क्वेश्चन हमको मिला है महाव्रतधर किस शैव संप्रदाय से संबंधित है, तो ये हो गया कालामुख। तो शैव संप्रदाय में जो तीसरा संप्रदाय है कालामुख, इनके अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। चौथा संप्रदाय है लिंगायत। तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय का किसी किसी बुक में नाम हमको मिला है जंगम, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वही लियाकत है वही जंगम है। और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, जो शिवलिंग पे हम लोग दर्शन करते हैं जल चढ़ाते हैं, तो ये लिंगायत, लिंगायत से आप नाम से भी याद रख सकते हैं, लिंग से लिंगायत हुआ और लिंग से शिवलिंग हुआ, तो ये शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक में कई विचारधारा है, लेकिन हमको जो सबसे ऑथेंटिक मिला वो है अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव। अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव, इस संप्रदाय को वीरशिव या वीर शैव संप्रदाय भी कहा गया है किसी किसी बुक में। तो वीरशिव या वीर शैव संप्रदाय वही है जो लियाकत संप्रदाय है, और इसके प्रवर्तक क्या थे, इसके जो अनुयायी थे वो शिवलिंग की पूजा करते थे, उसकी उपासना करते थे, और ये कहाँ प्रचलित थे, तो दक्षिण में। क्लियर हो गया? तो शैव संप्रदाय चार भागों में बांट दिए आप, पाशुपत जिनके अनुयायियों को पंचार्थी कहते थे, इनके ग्रंथ को पाशुपत सूत्र, और इनके आचार्य को पाशुपत आचार्य, जिसमें श्रीधर पंडित का नाम ज्यादा फेमस है। यह शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय भी माना गया है, और इसके संस्थापक लकुलीस को माना जाता है, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। दूसरा संप्रदाय है कापालिक, जिसके इष्टदेव भैरव थे, और इस संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो शैल नामक स्थान माना गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। और चौथा संप्रदाय है लिंगायत, जो दक्षिण में प्रचलित था, जंगम भी इसका नाम किसी किसी बुक में मिलेगा आपको। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, और इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को माना गया है। किसी किसी बुक में इस संप्रदाय को वीरशिव या वीरशैव संप्रदाय भी आपको मिलेगा। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञानमार्गी थे, और इनके संस्थापक थे वसुगुप्त, और ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कश्मीरी शैव थे
वे दार्शनिक और ज्ञानमार्गी थे और उनके संस्थापक कौन थे, तो वसुगुप्त। तो कश्मीरी शैव के संस्थापक वसुगुप्त थे। दसवीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, और नाथ संप्रदाय भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मत्स्येंद्र नाथ, और नाथ से अपना संप्रदाय ध्यान में रख सकते हैं। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। बाबा गोरखनाथ से परिभाति परिचित है। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया और उनकी संख्या 63 बताई गई है। और 63 आप याद तो नहीं रख सकते नयनार, लेकिन आपको कुछ प्रमुख मिलेगा, अप्पर, तिरुमूलर, शबंदर, सुंदरर, ये सब आपको ज्यादा प्रसिद्ध रहे। तो इस प्रकार शैव धर्म से जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे, जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, यदि इससे पूछा गया तो सारे तथ्यों को ले आए, इससे जानने की आवश्यकता प्रतियोगी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब आते हैं दूसरे धर्म, इस्लाम धर्म की। चाहे उससे पहले आ जाए वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का जिक्र हम कर पाए हैं, वैष्णव धर्म से भी प्रश्न आए हैं। तो पहले वैष्णव धर्म की चर्चा, इस्लाम धर्म पे आएंगे। आप वासुदेव कृष्ण का नाम सुने होंगे, वहीं से वैष्णव धर्म शब्द आया है। भागवत धर्म के संस्थापक विष्णु वंशीय यादव कुल के नेता कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, और ये हम आपको बताए थे जब स्रोत बताए थे। इसमें श्री कृष्ण को देव के पुत्र ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें कृष्ण को क्या बताया गया है? देवकी का पुत्र और ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया श्री कृष्ण को। और जिस धर्म से बिलोंग करते थे, वैष्णव धर्म से, उनके संस्थापक पिता कहिए या फिर कहिए कि जो पालन करता थे वासुदेव होते। तीसवीं चौथी शताब्दी से भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया था। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अब 10 अवतार से अवगत होंगे, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। और नारायण शब्द का जो प्रथम उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो शतपथ ब्राह्मण में नारायण शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। और भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख वेश नगर का गरुड़ स्तंभ है, जहां नारायण शब्द का, या ये कहिए कि भागवत धर्म से संबंधित है, उसका अभिलेख है। अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलती है, क्योंकि सबका संबंध वो भागवत धर्म से ही है, या वैष्णव धर्म से ही भगवत गीता का। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यूह समझ गए? चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता होते हैं, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्याम। शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्याम। पंचरात्र व्यूह के नायक शंकरषण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं कृष्ण थे। श्याम देवता सूर्य पूजा से संबंधित थे, ये पंचरात्र व्यूह में नहीं आते थे। तमिल प्रदेशों में यह जो धर्म है विष्णु धर्म, अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों के माध्यम से, अलवार संतों के माध्यम से, ये एसएससी में पूछा जा चुका है। और इन संतों की संख्या करीब 12 थी। इन सब में तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कौन संत? तिरुमंगाई। और इसी में एक मिलेगा आपको किसी किसी बुक में अंडाल, तो अंडाल एक्चुअली महिला संत थी। तो वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख
छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें उनको देवकी पुत्र एवं ऋषि गो अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तीसवीं चौथी शताब्दी आते आते भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, जिसमें मत्स्य अवतार में आपको हो गया मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बौद्ध अवतार और कल्कि अवतार। विष्णु के अवतारों में कृष्ण अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था और नारायण शब्द का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख बीसनगर का गरुड़ स्तंभ है। अवतारवाद के सिद्धांत की अवतारणा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? भगवत गीता में। चतुर्भुज पूजा का उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है, जिसमें प्रमुख देवता संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शांब। तमिल प्रदेशों में यह जो धर्म है वो अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ, जिनकी संख्या 12 थी, लेकिन इसमें तिरुमंगाई सर्वाधिक लोकप्रिय थे। एक महिला संत भी थी, अंडाल। तो इस तरह से शैव धर्म और वैष्णव धर्म, जिसको भागवत धर्म भी कह सकते हैं आप, वो हो गया। अब आते हैं इस्लाम धर्म की। अब सबको पता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 527 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? तो हीरा नामक गुफा में। और ये प्रश्न बीपीएससी में हमको लगता है कम से कम 20 बार आ चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लामी जगत में हजरत के नाम से जानी जाती है। तो हजरत किसको कहते हैं? कि जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए, और कब गए? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था जिनके साथ विवाह हुआ? खादीजा, जो एक विधवा महिला थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। तो मोहम्मद साहब को कुरान किसने दिया? तो देवदूत जिब्रियल ने। और किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है, हिंदुओं का गीता और इस्लाम धर्म में कुरान। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को होगी और उन्हें मदीना में दफनाया गया। तो इनका जन्म हुआ कहाँ? मक्का में। और दफनाया कहाँ गया? मदीना में। इसलिए दोनों बहुत पाक भूमि मानी जाती है, मक्का भी और मदीना भी। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद इस्लाम दो पंथों में विभाजित हो गया, एक सुन्नी और दूसरा सिया। सुन्नी और सिया। अब कहेंगे कि सुन्नी किनको कहेंगे और सिया किनको कहेंगे? जो इस्लाम धर्म के हमारे भाई बंधु हैं उन्हें तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो सभी जानते होंगे। लेकिन प्रश्न पूछने पॉइंट ऑफ व्यू से जो अन्य धर्म के हमारे दर्शक हैं, उनको तो जानना होगा। एक्चुअली सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। तो उनके कथनों और कार्यों पर विश्वास करने वाले लोग सुन्नी कहलाए। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। और सुन्ना किसको कहेंगे? तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों के विवरण को कहा जाता है सुन्ना। और जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उस पंथ को मानने वाले को कहा गया सुन्नी। सिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। तो अली कौन थे? तो मोहम्मद साहब के दामाद थे।
और शिया का मानना है कि मोहम्मद साहब के वे उत्तराधिकारी हुए, तो वे मोहम्मद साहब के कथनों पर या कार्यों पर विश्वास न करके, सुन्ना पर विश्वास न करके वो अली में विश्वास करने लगे। अली, जिनकी अली की बारे में पता होगा कि अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी, और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई थी। यानी अली और अली के पुत्र हुसैन, अली कौन थे तो मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कर दी गई, कहां? करबला नामक स्थान। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म में अब क्लियर हो गया जो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इनका जो संस्थापक हैं इस्लाम धर्म के, हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 में मक्का में हुआ और इनके मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में हुई, वहीं उनको दफनाया गया। 24 सितंबर 622 को पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा की और इसको इस्लाम जगत में हिजरत के नाम से जाना जाता है। हिजरत संवत की शुरुआत वहीं से हुई। इनका विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। दो पुत्र, एक पुत्री भी हुई जिनका नाम था फातिमा, और उनके एक दामाद हुए पुत्री से की जिनसे शादी हुई, अली। और ऐसा माना जाता है कि देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की, जो कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तो इस्लाम जो धर्म है वो दो संप्रदायों, दो पंथों में बट गया, शिया और सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या है? मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण। जबकि जो शिया रहे हैं वो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। जो अली कौन थे? वो मोहम्मद साहब के दामाद, जिनकी हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। तो इस्लाम धर्म से क्वेश्चन आएंगे तो नो डाउट आप इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब आते हैं सर ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है और ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम में, जेरूसलम के निकट कहिए, या जेरूसलम भी बहुत बुक में आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो जगह था, प्लेस था, वो था बैतलेहम। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, हिंदू का गीता है, इस्लाम धर्म का कुरान है और ईसाई धर्म का बाइबिल। ईसा मसीह की जो माता थी उनका नाम था मैरी और पिता का नाम जोसेफ। माता मैरी और पिता जोसेफ। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य हुए एंड्रयास और पीटर। एंड्रयास और पीटर ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस ने सूली पर चढ़ाया था। तो कब चढ़ाया था? तो 33 ईस्वी में, और रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था सूली पर। किसने? तो रोमन का जो गवर्नर था जिनका नाम था पोंटियस, उसने सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह का जन्म देखेंगे तो ईसा ईसा जीरो जो डेट हुआ ईस्वी में, वही ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। यानी उनके जन्म से ही जो ये अंग्रेजी कैलेंडर आया वो ईसा मसीह के जन्मदिन को ही जीरो मान के किया गया। तो हो गया ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, उनका जन्म जीरो में यरूशलेम के निकट बैतलेहम में, इनका माता मेरी पिता जोसेफ, दो शिष्य हुए एंड्रयास और पीटर, और रोमन गवर्नर पोंटियस ने 33 ईस्वी में इनको सूली पर चढ़ाया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है बाइबल। अब आते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म में पैगंबर जोथुस्त, पैगंबर जोथुस्त जो ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक धार्मिक ग्रंथ में है। तो पारसी धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, हॉली ग्रंथ है, उसको कहते हैं जिंद अवेस्ता। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं।
एक ईश्वर अहूत, अनेकेश्वरवादी विश्वास नहीं करते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक। तो बस इतना समझिए पारसी धर्म में कि पारसी धर्म में जो पैगंबर जो चुस्त थे, इनानी थे, और इनकी जो शिक्षाओं का संकलन है जिंद अवस्था नामक धार्मिक ग्रंथ में हुआ है। ये एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं जिसको अहूल कहा जाता है, और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब आप शॉर्ट में यह देख लीजिए, जिससे प्रश्न आने आ सकते हैं कि जो विभिन्न धर्म मत थे सभी मिला करके, उनके संस्थापक कौन थे। तो संप्रदाय की बात की जाए तो पाश्चात्य संप्रदाय के लकुलिस जो बताए हैं आपको, प्रतिभिज्ञा का वसुगुप्त, प्रतिभिज्ञा का वसुगुप्त, स्पंदत सार का कलत और सोमनांद, स्पंदत सार का कलत और सोमनांद, लिंगायत का वाषव, अद्वैत का शंकराचार्य एवं बादवायन। वो हम फिर दर्शन और शिक्षा में अद्वैतवाद की चर्चा करेंगे। तो शंकराचार्य और बादवायन, विशिष्ट अद्वैत एवं स्वी संप्रदाय के रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्ट अद्वैत एवं स्वी संप्रदाय से है, जबकि शंकराचार्य का संबंध अद्वैत संप्रदाय से है। ब्रह्म संप्रदाय का के संस्थापक माधवाचार्य, शनक संप्रदाय के निकम्बा चार्ज। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि शनक संप्रदाय के तो कौन हो गया? निकम्बा चार्ज। इसलिए हम सभी को एक बार दोहरा देते हैं। आजीवक के मखली घोषाल, आजीवक के मखली घोषाल, नित्यवादी के प्रकुद कच्चायन, नित्यवादी के प्रकुद कच्चायन, घोर अक्वियवादी का संजय बेठली पुत्र, घोर अक्वियवादी का संजय विटली पुत्र, भौतिकवादी या इसको यादृच्छिक छाया भी नाम मिलेगा उसका पूरण कश्यप। तो पाशुपत के लकुलिश, प्रतिभिज्ञा के वसुगुप्त, स्पंदत सार का कलत और सोमनांद, लिंगायत का वाषव, अद्वैत का शंकराचार्य एवं बादरायन, विशिष्टाद्वैत एवं स्वी संप्रदाय का रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य, सनक संप्रदाय का निकम्बाचार्य, आजीवक का मखली घोषाल, नित्यवादी का प्रकुद कच्चायन, घोर अक्रियवादी का संजय विठल पुत्र, और भौतिकवादी का पूरण कश्यप। तो प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन थे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म, इसको हम लोग देख लिए। अब इससे संबंधित जो प्राचीन भारत है उसमें अगला टॉपिक जो मेरे हिसाब से होना चाहिए था उसी को लेके हम आएंगे। महाजन पद जितने वह हैं 16, और 16 महाजन पदों में, 16 महाजन पदों में आपको मगध सबसे इंपॉर्टेंट महाजन पद थे। तो अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम 16 महाजन पद का की चर्चा करेंगे, और उसमें फिर जो मगध का उत्कर्ष था उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को देखेंगे, और उसके साथ साथ जो विदेशी आक्रमणकारी उस वक्त आए थे उनका, सिकंदर का नाम आप सुने होंगे, तो उनका क्या प्रभाव पड़ा उससे संबंधित भी घटनाएं और उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो पूछ दिए जाते हैं। और तब उसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य जाएंगे, और मौर्य साम्राज्य काफी इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के अतिरिक्त जो बाकी धर्म रहे हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, उन सभी धर्मों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हाँ उसके बारे में आप क्लियर हो लेंगे, हो लिए होंगे। और इससे संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका आप सही उत्तर देकर आएंगे। जीएस के अगले वीडियो में महाजन पद, मगध का उत्कर्ष, और फिर उसके बाद विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, उससे संबंधित विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न इंपॉर्टेंट तथ्यों को जो हम एनसीईआरटी से लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और जो भी यूपीएससी और बीपीएससी में जो इस
से संबंधित प्रश्न पूछे गए उन सभी को लेकर प्रश्न को नहीं लाएंगे, बल्कि प्रश्न से रिलेटेड तथ्य को लेकर आएंगे, ताकि प्रश्न को रिपीट पूछे जाने की संभावना 9 के बराबर होती है, लेकिन तथ्य को आप जानेंगे तो निश्चित तौर पर 100% उत्तर दे पाने में आप सक्षम होंगे। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।